सो है गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री अपडेट्स के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूपी कैटेट 2021 के एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है और आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोटिफिकेशन वाउचर को डाउनलोड करके उनको देख के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, एज लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला था, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपको जानने चाहिए एग्जाम से पहले। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको पता होगा यूपी कैडेट के एग्जाम्स हर साल जो 4 अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय हैं वो सभी कराते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर CSA ने इस एग्जाम्स को कराया था, लेकिन इस बार ये एग्जाम्स हैंडल कर रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के अंडर में। इस बार का यानी कि 2021 का यूपी कैटेट का एग्जाम्स होने जा रहा है। तो दोस्त, यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, आप लोग देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन इसी साल का 2021 का है और इस एग्जाम्स को इस बार करा रही है SBPAUT, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपके एग्जाम्स कब से आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और उससे रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानने चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं जो बाद में आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेने चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आपका फॉर्म 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 15 अप्रैल तक फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। 28 फरवरी यानी कि 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और ये फॉर्म आप शाम के 5 बजे तक ही भर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट डेट है यानी कि आप कब तक फीस सबमिट कर सकते हो, आप फीस तो वैसे 28 से 15 के बीच में कभी भी सबमिट कर सकते हो, बट इन किसी भी सिचुएशन में अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आपको एक दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी 16 अप्रैल तक आप अपना यहाँ पे ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ लगता है कि गलती हो गई है तो वो भी यहाँ पे आप उसको सुधार सकते हो, संशोधित कर सकते हो, जिसकी डेट है 17 से 20 अप्रैल तक फॉर्म को एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड 1 जून से आएंगे, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि आपका एग्जाम जून के 3rd वीक में होगा, 2nd वीक मैंने बताया था, उसके बाद ही बताया था। तो 2nd वीक के बाद रियलिटी में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रवेश परीक्षा की तिथि है 16 व 17 जून है, ठीक है। 16 को UG का एग्जाम है, 17 को PG का, 16 को अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होगा, 17 को PG का, ठीक है। आपका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर हो जाएगा आपके। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें 3 काउंसलिंग होती है जिसमें आप देख सकते हो काउंसलिंग की डेट, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग से भी कोई आपको मतलब नहीं है, अभी आपको केवल इंपॉर्टेंट डेट जान लेना चाहिए कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म आप 15 अप्रैल तक ही भर सकते हैं। सो दोस्त, यहाँ पे फॉर्म भराना स्टार्ट है, अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट है, आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए जिनको जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जिनका जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र केवल और केवल उत्तर प्रदेश का हो, ठीक है। और जान लेते हैं कुछ फाइनेंशियल स्कॉलरशिप के बारे में। इन्होंने बताया कि कुछ स्कॉलरशिप इनके यहाँ मिलती है स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यूपी कैटेट या फिर ICAR के एंट्रेंस को क्वालिफाई करते हैं। लाइक आप लोग देख सकते हो, UGC की फेलोशिप मिलती है 25,000 रुपये पर मंथ उन सभी कैंडिडेट्स को जो UGC क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं। ICAR की फेलोशिप मिलती है UG के स्टूडेंट को 3,000, PG के 6,840 और JRF SRF के 12,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद NTS की स्कॉलरशिप है 3,000 रुपये पर मंथ, उसके बाद UP मंडी परिषद का स्कॉलरशिप है 3,000 रुपये पर मंथ और 6,000 रुपये पर मंथ, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है 1200 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप थी, मेन हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको यूपी कैटेट के बारे में पता नहीं होता या फिर वो किस ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है, तो उसके बारे में पता नहीं रहता, तो हम जान लेते हैं पहले उसके बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो मेन कोर्स यहाँ का BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, आपका इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर साइंस के साथ PCB, PCM, PCMB किसी भी ग्रुप के साथ आप 50% मार्क्स के साथ यहाँ पे पास आउट हो, जिसमें आपको ग्रुप पेपर जो आपका पेपर आएगा एग्जाम में वो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वालों के लिए रहेगा और बायो के लिए PCB और मैथ के लिए PCM, ठीक है। आपका 12th में जो भी ग्रुप रहा हो सेम उसी ग्रुप से आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा ये नहीं कि आप PCB से हो तो आप एग्रीकल्चर को अटेम्प्ट कर सको, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। केवल वही लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपने 12th में जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई किया हुआ है, एग्जाम में भी आपको वहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारे कोर्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, BBSc, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी, ये सभी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी कैटेट एंट्रेंस के थ्रू होते हैं, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए भी है,
पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे कोर्स हैं, आप लोग इस बार नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक की पूरी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे या फिर जो PDF का लिंक होगा वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर होते रहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें हैं किस कोर्स में। ठीक है, तो आपको पता होगा यूपी कैडेट के अंदर में 4 यूनिवर्सिटी आती है, CSA कानपुर, ANDUAT अयोध्या और SBPOT मेरठ, जो इस बार यूपी कैडेट को कंडक्ट करा रही है, उसके बाद BUAT बांदा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्रीकल्चर के कोर्स पे कितनी सीट यहाँ पे। तो टोटल CSA में 114 सीटें हैं, मेन कैंपस में बात कर रहा हूँ दोस्त। उसके बाद एक कैंपस और है CSA का लखीमपुर खीरी में, एग्रीकल्चर कॉलेज है, जिसमें 66 सीटें हैं। ठीक है, ये सीट केवल है यहाँ पे कानपुर के CSA यूनिवर्सिटी के लिए। अयोध्या में टोटल 182 सीट है, उसके बाद मेरठ में टोटल 117 सीट है, बांदा में टोटल 104 सीट है। मेन ही बात करते हैं टोटल UG सीट की, तो टोटल यहाँ पे CSA में जो सीट है वो है 510, उसके बाद ANDUT में 453, उसके बाद मेरठ में 452, उसके बाद बांदा में टोटल 300 सीट है। ठीक है, UG की केवल बात करें दोस्त, और PG की आप लोग देख सकते हो कोर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कोर्सेस डिवाइडेड है। और मैं बात करूं नेक्स्ट में एज लिमिट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती मायने रखती है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि एज लिमिट में बहुत सारे लोग बाद में उनको प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो एज लिमिट की पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे रूल है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर आप अगर अदर स्टेट के हो तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिट यानी कि एज लिमिट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे BBSC कोर्स के लिए केवल आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी में आते हो तो वहाँ पे आपको 5 साल की एज लिमिट भी मिलती है। और अगर नेक्स्ट और किसी कोर्स की बात करें BSC एग्रीकल्चर के लिए, तो आपकी BSC एग्रीकल्चर के लिए 22 साल से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिया गया है। 22 ईयर से आपकी एज लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 16 साल से कम भी नहीं होना चाहिए। ये आपकी एज लिमिट 31 दिसंबर से लागू होगी। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी को हो और 31 दिसंबर से पहले आप 22 साल के हो तो अप्लाई कर सकते हो, और 23 साल को जाओगे तो नहीं कर सकते हो, और 16 साल से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट मिलती है यहाँ पे, क्राइटेरिया मिलती है, 5 साल का यहाँ पे रिलेक्शन भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो सीटें जो यहाँ पे डिवाइडेड है वो रिजर्वेशन के थ्रू डिवाइड है। लाइक आप SC में हो तो 21% सीट आपके लिए है, ST में 2% और OBC के लिए 27% और जनरल के लिए 40% और EWS के लिए 10% सीट यहाँ पे रिजर्व रहती है। ये हर जगह रहती है। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है सीटें रिजर्वेशन की। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कितना रुपए आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो आपको पे करना है पैसा, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। यहाँ पे आप लोग फी पेमेंट कर सकते हो 1250 रुपये, ये आपका UG के लिए। और उसके बाद PG की बात करें तो PG में भी सेम वही है। ठीक है, 1250 रुपये आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं, और आप सेंटर डाल सकते हो, सेंटर कोड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, केवल यही इतने सेंटर हैं, 8 सेंटर बनाए गए हैं पूरे ऑल UP में, जिसमें अयोध्या, बांदा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ। ठीक है, ये 8 सेंटर हैं और उनका सेंटर का कोड दिया गया है। ठीक है, सेंटर कोड के हिसाब से आप अपना सेंटर कोड डाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अप्लीकेशन फी की। तो अप्लीकेशन फी यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, 1250 रुपये जनरल OBC के लिए, 1050 रुपये SC ST के लिए। ट्रांजेक्शन आपको ऑनलाइन करना होगा बैंक के द्वारा। एग्जाम पैटर्न आपकी जो होगी वो ऑफलाइन होती है, पेन पेपर मोड में होता, आपको पेपर मिलता नहीं है, पेपर आप लेना जा सकते हो रिटर्न। और एडमिट कार्ड आपका 1 जून से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका कोड है, पेपर 4 पेपर आते हैं यहाँ पे, PCB के अलग आते हैं, PCM के अलग, PAG और PHS के, ये 4 पेपर आते हैं। ठीक है, तो आपका कोड नंबर यहाँ पे दिया गया है। PCB कौन से लोग कर सकते हैं, PCB में वही अभ्यर्थी जिनका 12th में PCB ग्रुप से कंप्लीट हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री से बायो से यहाँ पे उनका 12th कंप्लीट हो, PCM सेम वही चीज़ है, आपका 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कंप्लीट हो, तो आप यहाँ पे PCM ग्रुप को चूज कर सकते हो, जिसमें आप BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर साइंस और फॉरेस्ट्री, BTech एग्रीकल्चर के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, PhD के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका 12th में एग्रीकल्चर रहा हो। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को पता नहीं रहता, आप इसमें परेशान रहते हो हमेशा। ठीक है, तो जो PCB ग्रुप है उसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, 600 मार्क्स के रहते हैं, एक नेगेटिव मार्किंग रहती है। यहाँ पे जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन रहते हैं, और जब आपका मेन कोर सब्जेक्ट है बायोलॉजी उससे 80 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल यहाँ पे बनते हैं आपके 200 क्वेश्चन। सेम थिंग यहाँ पे है, पीसीएम के साथ जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, और जो मेन आपका सब्जेक्ट है मैथ उससे 80 क्वेश्चन, टोटल बनते हैं 200 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे जिनका 12th में एग्रीकल्चर रहा उनको भी सेम 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, फिजिक्स 25, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 25, एग्रीकल्चर जूलॉजी 25, एग्रीकल्चरल बॉटनी 25, एग्रोनॉमी 10, एनिमल हस्बेंड्री 15, हॉर्टिकल्चर 10, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और 20, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स यानी कि नॉर्मल एग्रीकल्चरल मैथ्स से टोटल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन में आपके 600 मार्क्स मिलते हैं, 600 में आपकी 1/3 यानी कि 1 माइनस आपका निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे PHS में भी 200 क्वेश्चन रहते हैं, आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 200 क्वेश्चन रहते हैं, और अगर आपका मार्क्स 300 के ऊपर है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो दोस्त यहाँ पे। और जो इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और आगे आपको ऐसी एग्रीकल्चरल के साथ साथ और सभी यूपी कैटेट एग्जाम्स की अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एग्जाम डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से सुन लो आप लोग, 16 जून को UG का एग्ज़ाम है जिसमें 9 बजे से 12 बजे तक का एग्ज़ाम है। आपके एडमिट कार्ड पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर के साथ टाइम भी दिया रहेगा वहाँ पे। अब बात करें मास्टर डिग्री के लिए, MSc वगैरह के लिए, तो वहाँ पे 17 को एग्ज़ाम है आपका, 3 घंटे का टाइम मिलता है। PhD के लिए बात करें 17 को एग्ज़ाम है, उसका भी 9 से 11। MBA के लिए बात करें उसका भी 17 को एग्ज़ाम है, 3 से 5, शाम को 2 घंटे का पेपर होता है, और आपका एग्जामिनेशन सेंटर सब कुछ आपके वहाँ पर दिया रहेगा। सिलेबस आपको इस इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक माइनस मार्किंग यहाँ पे दिया गया है, माइनस मार्किंग रहती है और 3 नंबर आपके एक क्वेश्चन राइट क्वेश्चन यानी सही करोगे तो 3 नंबर मिलते हैं, गलत करने पे एक क्वेश्चन एक नंबर काट लिए जाते हैं और उस क्वेश्चन के नंबर भी आपको नहीं मिलते हैं। रिजल्ट आपको 30 जून को आपके ऑफिशियल साइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, उसके बाद आप वहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप लोग क्वालिफाई हो तो, ठीक है। सो गाइज ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन यूपी कैटेट की, अगर आपको अभी भी कोई मिस लीडिंग कोई इन्फॉर्मेशन पता चल रहा हो कि कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए है, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे पर्सनली भी ले सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।